पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि भारतीय सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात बेहद प्रमुखता से रखती है, फिर चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की मांग करनी हो या कोविड-19 की वैक्सीन के लिए ट्रिप्स वेवर मांगना हो। ना सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि जब कभी ऐसी पॉलिसीज आती हैं जो भारत जैसी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी खिलाफ हो, जैसे क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर दबाव डालना, तब भारतीय बचाव में सबसे आगे खड़ा होता है। कहने का मतलब है कि भारतीय सरकार अब देश की फॉरेन पॉलिसी को भी उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है जितनी देश के डोमेस्टिक इश्यूज को दी जाती है। जहाँ पर किसी बात का विरोध किया जाना होता है वहाँ पर भारतीय सरकार दूसरे देशों का विरोध भी करती है। भारतीय सरकार ने इस बार WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर के देशों के बीच होने वाले ट्रेड को मॉनिटर, रेगुलेट और फैसिलिटेट करने वाली बॉडी है, उसको ही खरी खोटी सुना दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी एक देश को ट्रेड से संबंधित दूसरे देश के खिलाफ कोई शिकायत करनी होती है या इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करने वाले कोई रूल्स जो सामने वाला देश फॉलो नहीं कर रहा होता है वो लागू करवाने होते हैं या उसके खिलाफ ट्रेड से संबंधित शिकायत करनी होती है, तो वो देश WTO के पास ही आते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी देश अपने नियम कानूनों और रूल्स को बिल्कुल नहीं बनाकर थोप सकता है। जो भी देश WTO के मेंबर्स होते हैं उनको WTO द्वारा निर्धारित रूल्स के दायरे में ही रहकर ट्रेड करना होता है। WTO कोई 50-60 साल पुराना संगठन नहीं है, बल्कि ये खड़ा किया गया था 1 जनवरी 1995 को, यानी ये मात्र 26 साल पुराना संगठन है। WTO के टोटल मेंबर्स हैं 164, जो दुनिया भर के 98% ग्लोबल ट्रेड और GDP को रिप्रेजेंट करते हैं। WTO का गठन ही इसीलिए किया गया था ताकि किसी भी देश के साथ ट्रेड के मामले में भेदभाव बिल्कुल ना हो। लेकिन जिस उद्देश्य से WTO का गठन हुआ था वो उद्देश्य आज की डेट में ये संगठन अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा है। UN और UN सिक्योरिटी काउंसिल की तरह यहाँ भी कुछ डेवलप्ड देशों का दबदबा है जो आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं। उनके खिलाफ आवाज उठाई है इस बार भारत ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि WTO जिस तरीके से काम करता है उसको दोबारा रीअसेस करने की जरूरत है, यानी उसका दोबारा से मूल्यांकन करने की जरूरत है। यहाँ पर जो पॉइंट पीयूष गोयल साहब ने उठाया है वो बहुत ही ज्यादा वैलिड है, जो कि आपको भी सुनना चाहिए। पीयूष गोयल साहब ने बोला कि आज की डेट में कई देश ऐसे हैं जो अपनी मार्केट का एक्सेस इक्विटेबल और ओपनली बिल्कुल नहीं देते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कई तरह की हिडन सब्सिडीज एक्सटेंड करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो डेवलप्ड देश हैं, यानी जो विकसित देश हैं, इन सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लाइमेट गोल्स और क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए ज्यादा काम करना चाहिए, यानी ज्यादा योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बेशक डिस्कस किया जाए कि कौन से देशों को डेवलपिंग कैटेगरी में डाला जाए और कौन से वालों को डेवलप्ड में, लेकिन जिस देश की पर कैपिटा इनकम 600 से लेकर $3,000 के बीच में है उस देश को ऐसी कंट्रीज की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं किया जाए जैसे 60,000 से लेकर $80,000 पर कैपिटा इनकम वाले देशों को किया जाता है, वरना ये बहुत ही अनफेयर होगा। पीयूष गोयल साहब के कहने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी बेशक तेजी से बढ़ रही है, हम 5th largest इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर हम अभी भी बहुत ही ज्यादा पीछे हैं, हमारी आबादी बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में ये जो क्लाइमेट चेंजेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है, इन सबके गोल्स अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमसे ज्यादा उन देशों की बनती है जो ये डेवलप्ड हैं। हम अगर $3 trillion के साथ 5th largest इकोनॉमी बन गए हैं तो हमारे लिए ऐसे रूल्स बिल्कुल नहीं बनने चाहिए जो कि डेवलप्ड देशों के लिए हों, क्योंकि पर कैपिटा इनकम तो फिर भी हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज की 600 से लेकर $3,000 की रेंज में ही रहने वाली है, जबकि उन सभी डेवलप्ड देशों की पर कैपिटा इनकम 60,000 से $80,000 की रेंज में है। यानी अगर आसान शब्दों में कहो तो WTO दो परिवार जिनकी इनकम ₹100 है उनको सेम तरीके से ट्रीट करता है, जबकि WTO ये नहीं देखता है कि बेशक दोनों परिवारों के पास सेम अमाउंट है लेकिन एक परिवार में दो लोग खाने वाले हैं जबकि दूसरे परिवार में 20 लोग हैं। एक परिवार को ₹100 दो लोगों के ऊपर खर्चने हैं जबकि दूसरे परिवार को ₹100 20 लोगों के ऊपर। ऐसे में दोनों के लिए सेम रूल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पीयूष गोयल साहब ने कहा कि ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको भी अपनी प्रायोरिटीज को चेक करना चाहिए। इसी के साथ पीयूष गोयल साहब ने CII ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी समिट में कई सारी बातें बोली। वैसे आपको क्या लगता है कि पीयूष गोयल साहब ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।